हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। राष्ट्रीय रक्षा शक्ति स्कूल से शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़ टीचर्स की वैकेंसी है, साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी आई हुई है, और इसके अलावा जो है नॉन टीचिंग पोस्ट भी जो है इसमें जारी की गई है। फिक्स्ड सैलरी है 38,000। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, 38,000 पर मंथ जो है वो सैलरी इसमें रखी गई है। बाकी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन चेक करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप जो है समझेंगे। बिल्कुल सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है एक यूनिवर्सिटी भी है, और यूनिवर्सिटी के साथ में जो है इसके कई स्कूल भी हैं। तो इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत राष्ट्रीय रक्षा शक्ति स्कूल से वैकेंसी जारी की गई है। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की, और इसमें जो है एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा स्कूल का, तो इसके लिए जो है करियर सेक्शन पर आपको आना है। करियर सेक्शन आप लोगों को सबसे ऊपर यहाँ नज़र आएगा, करियर सेक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं, चाहे वह यूनिवर्सिटी के हैं चाहे वह स्कूल के हैं, सभी जो है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। इसमें देखें EOI फॉर हायरिंग ऑफ डिफरेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ रक्षा शक्ति स्कूल, बस जो है इसी पर क्लिक करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, टीचिंग पोस्ट के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अलग दिया गया है। आप लोगों को बता दूं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है उसमें लास्ट डेट जो है पहले जो लास्ट डेट थी वो 8 जुलाई 2024, अब जो है इसे बढ़ा दिया गया है और नई जो लास्ट डेट है वो 14 जुलाई 2024 है। विज्ञापन देखने से पहले जो है मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, क्योंकि कई कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो उनका कहना होगा कि इसकी जो अंतिम डेट जो है वो निकल चुकी है। ठीक है, तो अंतिम डेट जो है वो बढ़ा दी गई है, आप देख लें 8 जुलाई से 14 जुलाई कर दी गई है। यहाँ पर जो है करियर सेक्शन के बाद जो है आप लोगों को मैंने बता दिया रक्षा शक्ति स्कूल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो दिया गया था उसमें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हेयर, एप्लीकेशन फॉर्म टीचिंग पोस्ट के लिए क्लिक हेयर, एप्लीकेशन फॉर्म नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए क्लिक हेयर। ठीक है, और जो नई डेट जारी की गई है यानी लास्ट डेट जो बढ़ाई गई है तो ये लास्ट में आप लोगों को ये नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें जो है जो सब्जेक्ट की वैकेंसी है क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। ये देखिए, ये गूगल फॉर्म है और एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। जब आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके स्कैन करके आप लोग जो हैं जो ऑप्शन होगा उसमें अटैच कर देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ये जो है नोटिफिकेशन है EIO नोटिफिकेशन नंबर 2 RSS राष्ट्रीय रक्षा स्कूल, स्कूल के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। और आपको बता दूं मैं दोबारा से, लास्ट डेट जो है अगर आप इस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो 8 जुलाई आपको नज़र आएगी। बाकी जो है जो नोटिस जो है मैंने आप लोगों को दिखा दिया है 3 जुलाई का, कि लास्ट डेट जो है वो 14 जुलाई हो चुकी है। ठीक है, बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि कोई भी जो है कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ना रहे कि लास्ट डेट निकल गई है, अब फॉर्म फिल करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये जो है हाउ टू अप्लाई में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है गूगल फॉर्म का लिंक है, इस पर जो है आप लोग क्लिक करके अप्लाई करेंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको डाउनलोड करके फिल करके स्कैन करके और आप लोगों को इसमें अटैच करना होगा, जब आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे वहाँ ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन। नेम ऑफ पोस्ट आपको बता दिया, नेचर ऑफ पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसी है। टीचिंग में 38,000 फिक्स्ड सैलरी है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है तो उसमें जो है 30,000 सैलरी है। इंग्लिश में आपका पढ़ना लिखना बोलना इसमें जो है वो कंपलसरी रहेगा। क्वालिफिकेशन इंग्लिश टीचर के लिए देख लेते हैं,
55% मार्क्स के साथ में आपने बीए या एमए इंग्लिश में किया है, साथ में बीएड होना चाहिए। 6 to 10 सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का कम से कम 3 साल का अनुभव आपका इंग्लिश में ज़रूरी है। टेट जो है आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये वैकेंसी कहाँ से है, तो वैकेंसी जो है गांधीनगर गुजरात से है, तो इसमें जो है सी टेट या फिर गुजरात टेट जो है वो आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है पेपर 2, ठीक है। तो ये TGT की पोस्ट है। हिंदी टीचर में BA MA हिंदी 55% मार्क्स के साथ में और BEd 3 साल का आपका अनुभव CBSE स्कूल में पढ़ाने का 6 to 10th और टेट पेपर 2, ठीक है। तो गुजरात टेट या फिर सी टेट पेपर 2। गुजराती और संस्कृत टीचर दोनों की वैकेंसी है। मैथमेटिक्स टीचर्स में आप देख लें BSc MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अनुभव सभी में 3 साल का अनुभव मांगा गया है। सोशल स्टडी टीचर के लिए BA या MA आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस से 55% मार्क्स में और BEd, तो आपने BA में जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस 3 साल पढ़ा है और तो आप जो है इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं टेट पेपर 2 के साथ में। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जो है यहाँ पर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट या डिप्लोमा मिनिमम 4 ईयर आफ्टर 10 के बाद जो है आपने 4 साल का डिप्लोमा किया है या फिर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया है 55% मार्क्स के साथ में और 3 साल का इसमें जो है अनुभव। कंप्यूटर टीचर के लिए बीटेक एमटेक वाले कंप्यूटर साइंस और एमएससी बीएससी इन कंप्यूटर साइंस 55% मार्क्स के साथ में बीएड भी जो है इसमें कंप्यूटर टीचर के लिए कह रहे हैं और जो है एमएस ऑफिस पर काम करना आपको आना चाहिए, तो कंप्यूटर टीचर को ये नॉलेज तो रहती है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए कोई भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी आपने किया है 55% मार्क्स के साथ में, एमएस ऑफिस की कंप्यूटर की नॉलेज आपकी होनी चाहिए, 5 साल का जो है वो आपका अनुभव होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटिंग में। कैसे अप्लाई करना है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म RRU वेबसाइट पर, लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा और ये गूगल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू आफ्टर अ ड्यू स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, तो यानी परीक्षा तो नहीं है केवल इंटरव्यू है, इंटरव्यू से जो है सिलेक्शन करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप पढ़ लेंगे, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एड्रेस ऑफ हेडक्वार्टर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधी देहगाम गांधीनगर 382305 गुजरात इंडिया, ठीक है। तो इसमें जो है बाहरी राज्य के कैंडिडेट, गुजरात से जो बाहर राज्य के कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट है यदि आपका पढ़ाना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो स्कूल है RRU के अंतर्गत जो RRS स्कूल है राष्ट्रीय रक्षा स्कूल, तो सबसे पहले जो है दोबारा से बता देती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ, सबसे ऊपर करियर सेक्शन है इस पर क्लिक करना है, ये पेज ओपन होगा। इसमें जो है अभी और भी जो है यहाँ पर विज्ञापन जारी किए गए हैं यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है EOI फॉर हायरिंग ऑफ डिफरेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ रक्षा शक्ति स्कूल। इससे पहले जो है यहाँ प्रिंसिपल की वैकेंसी आ चुकी है, फिलहाल जो है ये वैकेंसी है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहीं पर आप लोगों को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन पूरा विज्ञापन पढ़ें, आवेदन करने से पहले पढ़ना है, फीस नहीं है कोई भी। एप्लीकेशन फॉर्म टीचिंग पोस्ट के लिए इस पर क्लिक करना है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो एक ही जो है वैकेंसी है सुपरिटेंडेंट की, तो उस पर जो है क्लिक कर लेना, ठीक है। और बाकी जो है नोटिस नया डेट के लिए क्लिक हियर, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी। तो ऐसी ही जो है शिक्षक भर्ती के लिए जुड़े रहें चैनल से। थैंक यू।